नमस्कार दोस्तों। कामनी निर्विकार भाव से बैठी शून्य में ताक रही थी। सामने रखी चाय जब ठंडी हो चुकी थी, कल तक जिस घर में हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें गूंजती थी, रसोई घर खुशबू से तर रहती थी। कहीं बेटी की साड़ियां तो कहीं सलवार कमीज, कभी कभी कौन सी फिल्म देखी जाती है, इस पर भारी विधन होता था तो कभी अगले रास्ते की योजना पर। आज पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। कामनी की अटक में अचानक बेटी और नातिन की आवाज़ गूंजने जैसी आशंकाएं उठती हैं तो साय साय करता उदास घर खाने को दौड़ रहा था। गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था चारों ओर, ठीक कामनी के अंतर मन की तरह। कामनी ने गहरी सांस ली और उठती हुई उठी। बालकनी में टहलते हुए कामनी ने नीचे देखा। सामान्य में खेलते हुए बच्चों को देख कर फिर प्यारी की याद आ बिल्कुल नीरू पर गई है स्वीटी। हाँ, नीरू भी तो इतनी ही थी जब मैं उसकी गोद में आई थी। नींद पंखे कैसे उड़ते हैं पता ही नहीं चलता। वाकनी के पर्दे में आराम कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। क्या दीदी, आपने चाय भी नहीं ली? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रीमा ने कंधे पर हाथ रखते हुए अपनत्व से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कामनी अचकचा कर बोली। दूसरी चाय बना दूँ दीदी? कामनी गहरी सोच में डूबी हुई थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है दीदी, लगता है आपको नीरू की याद आ रही है। रीमा सालों से कामनी के पास काम करती थी, भरी हुई बातें करती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। अरे नहीं री, कामनी ने जबरदस्त मुस्कान का प्रयास किया, बेटी तो वही पराया धन है, मैं तो खुश हूँ। ऐसा उचित दामाद और नातिन का सुख लिखा है मेरे भाग्य में। मैं तो दिया लेकर ढूंढती तब पर भी ऐसा दामाद ना पाती। ये तो नीरू की किस्मत है कि उसे ऐसा होनहार व्यवहार कुशल नेक दिल इंसान मिल गया। चल थोड़ी सी काफ़ी बना दे रही माँ। फिर लेटी तो आंख बंद करते ही आंखों के सामने पुरानी फिल्मों की तरह संजीव हो उठा। ये बात तो जब की है जब मैं बीए फाइनल में थी। एक दिन पापा ने कहा, कल विकास के मामा और पापा आ रहे हैं, कामनी तुम घर पर ही रहना। अचानक शादी होने की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनने की तमन्ना मन में थी, पर जब पापा से कहा तो दो टूक जवाब सुना दिया। देखो कामनी, मैं तुम्हारे बनने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। फिर तुम्हारे पीछे छोटी भी तो है, अपनी नौकरी रहते मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर देना चाहता हूँ। भगवान ने बेटा तो दिया नहीं, समय रहते मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ। विकास अच्छे खाते पीते घर का लड़का है, वो तो तुम सुंदर हो इसलिए बात बनी है, वरना उसके घर लड़की वालों की लाइन लगी है, पापा मुझे समझा रहे थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मेरे सपने चूर चूर हो गए थे। बहुत रोई थी उस दिन मैं। मुझे याद आई बचपन के वो दिन जब पापा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाया करते थे। हम दो बहनें ही थी पर पापा ने कभी हमें बेटे से कम नहीं माना था। पर आज पापा अक्सर कहते थे, देखना मेरी होनहार बेटियां मेरा नाम दुनिया में रोशन करेंगी, मैं इन्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर जब ये आएंगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। पर मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल बदल गए। हमेशा हंसते रहने वाले पापा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होने की भी बहुत जल्दी थी। उन्हें लगता कहीं मेरी भी असमय मौत हो गई तो शायद इसी भय से इनका डिप्रेशन बढ़ गया था और लील गया हमारे तमाम सपनों को। मैंने और छोटी बहन दामिनी ने बहुत कोशिश की पर पापा को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाए। अब तो घर में वही होता जो पापा कह देते। जिस दिन विकास और अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आए उस दिन मेरी और विकास की सगाई तय हो गई और परीक्षाएं ख़त्म होते ही विवाह। सब कुछ इतना आनंद फानन में हुआ कि सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वैसे विकास मुझे भी पसंद आया, लंबा कद और गौरवर्ण, उसका शायराना अंदाज। अब मेरे सपनों में था विकास और मैं सिर्फ विकास। मेरी पापा से सारी शिकायतें भी रफा दफा हो गई थी, मुझे विकास से इश्क हो गया था। सच लड़कियां भी बड़ी अजीब होती हैं, उनकी ज़िंदगी में इश्क का मौसम आते ही वे सब कुछ ड्रॉप कर देती हैं, सारे सपने ख्वाहिशें तमन्नाएं कर देती हैं प्रेम के। आई एम लव इस वाक्य के सहारे वे सब कुछ छोड़कर उस शख्स के साथ उड़ जाती हैं सपनों के रंगीन आसमान में, जिसे कल तक तो जानती तक नहीं थी। इस शख्स के मिलते ही नए सपने परवान चढ़ने लगते हैं। इंद्रधनुषी ख्वाहिशें नए सिरे से ज़िंदगी के फल सफा तय करने लगती हैं, पूरी दुनिया को उसी नज़र से देखने लगती हैं जिन आँखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखाई देता। के बाद ठीक ऐसा ही हाल मेरा भी था। विकास को देखकर दिन शुरू होता तो विकास की बाहों में रात। मैं वही पहनती जो विकास को पसंद था, वही करती जो विकास को पसंद आए। मेरी सोच विचार सब पर विकास का कब्जा था।
विकास के प्यार का जादू मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। मेरी ज़िंदगी विकास से शुरू होकर उसी के आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रही थी। शादी के महीने भर बाद हम हनीमून मनाने गोवा चले गए। गुलाबी सुबह, सुहानी शाम, समंदर के लहरें, खुशनुमा माहौल, पीगे भरता इश्क, गाली रेत पर निशान छोड़ते कदम, बाहों में बाहें और आँखों में आँखें डाले एक दूसरे के साथ। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जो मुझे हलवे के बीच किरकिरी की एहसास करवा रहा था। हनीमून के दौरान मैं समझ गई थी कि विकास को काफ़ी गुस्सा आता है। एक तरफ उसकी जिंदा दिली मनमोह लेती तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा मेरे सारे अनुमानों पर पानी फेर देता। बात बात पर रोकना टोकना विकास की आदत थी। पल में तोला पल में मासा विकास का बर्ताव मेरे सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ रहे थे। पर किससे कहती क्या कहती, 10 दिन गोवा में रहने के बाद हम इलाहाबाद आ गए। धीरे धीरे मेरी समझ में आ गया था कि विकास जिद्दी, क्रोधी और गुस्सेल स्वभाव वाला मनमौजी इंसान था। उसके लिए वही सही था जो उसने कहा। किसी और की बात सुनना मानना उसे गंवारा नहीं था। मैं सब कुछ जान गई थी, पर मैंने सोचा मैं अपने प्यार से विकास की बुराइयों को अच्छाइयों में बदल दूंगी। बस इसी प्रयास से मैं उलझती चली गई। मेरा समझाना विकास को हमेशा उपदेश ही लगता। वो झल्ला कर चीख पड़ता। संयुक्त परिवार में मुझे सबके सामने बार बार अपमानित होना पड़ता। मेरी टीस मेरी आँखों से पानी बनकर बरसती, पर इससे कहाँ कुछ बदलने वाला था। दीदी काफ़ी, रीमा ने लाइट जलाते हुए कहा। बाहर गहरा अंधेरा हो गया था, ठीक मेरे जीवन में छाए अंधेरे की तरह। पर रात को जो चंद्रमा आलोकित करता है, ठीक उसी तरह नीरू भी रोशनी बनकर आई थी मेरी जिंदगी। काफ़ी पीते हुए यादों के पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे मेरे सामने। शादी के 2 साल बाद विकास का तबादला दिल्ली हो गया। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम सबके सामने जलील तो नहीं होना पड़ेगा। विकास की आदतें यहाँ भी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। हर बात हर चीज़ में मीन मेक निकालना, चिल्लाना, अपनी टांग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर ऊपर रखना उसके स्वभाव का हिस्सा था। मैं लाख कोशिश करती पर विकास किसी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी मेरा मन करता कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, कहीं दूर, बहुत दूर, पर कहां ऐसा या प्रश्न जिसका जवाब ही नहीं था मेरे पास। परंपरा की बेड़ियों में जकड़ा मेरा मन आने वाली और सिर्फ अर्थी पर ही वापस जाती है कि आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। दिन महीने साल यूं ही गुजरते जा रहे थे। धक्का मुक्की करते हुए सांसें चल रही थी। मेरा मोम दिल पत्थर होता जा रहा था। मुझे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई थी। फिर चाहे वो शब्दों के तीर हों या कुछ बोलने के एवज में मिलने वाला तमाचा। शादी को 4 साल बीत गए थे पर मेरी गोद सुनी ही। विकास को एक और बहाना मिल गया था मुझे अपमानित करने का। भगवान भी न जाने किन कर्मों का फल दे रहा था। डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मल ही कहा था, पर हारे हुए जुआरी की तरह चुप रहो ही मेरी सत्य बन गई थी। काफ़ी ख़त्म कर टहलते हुए याद आया वो दिन जब नीरू मेरी ज़िंदगी में आई। उस दिन सुबह आंखें खुली तो लगा नीचे काफ़ी शोर हो रहा है। मैंने विंडो से देखा पर कुछ समझ नहीं आया। फिर नीचे चली गई, पुलिस भी थी। पता चला किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में कोई अपनी 1 साल की लड़की को छोड़ गया है। बच्ची उस भीड़ को देखकर लगातार रो रही थी। सब उस मासूम से तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन वो उन सवालों को केवल फटी फटी आंखों से देख रही थी और रोना शुरू कर देती थी। पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी। टैक्सी वाला अपनी अभियक्ता की कहानी कह रहा था। लोगों के वायस जारी थे। कोई माता पिता को भूलने की बात, कोई जानबूझकर छोड़ देने की, कोई बेपरवाही के अन्य किस्से सुना रहा था, तो किसी भगवान की लीला बता रहा था, पर किसी बच्ची को देखने के लिए नहीं तैयार था। मैं आगे बढ़ी, बच्ची को गोद में ले गई और फिर पास ही के पान की दुकान से टॉफ़ी और बिस्किट खरीदी। बच्चा थोड़ा सा स्नेह पाकर चुप हो गया। मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही थी। मैं लगातार उसके सर पर हाथ फिराती रही। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और मेरे गोद से बच्ची को लेने लगी, पर जैसे ही लड़की को उन्हें दिया वह फिर से रोने लगी। अब मेरी ममता अपने चरम पर थी। मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी। फूल सी नन्ही जान मेरी गोद से उतरना ही नहीं चाह रही। उन्हें मेरे पल्लू का अधिकार से खींच रखा था। मेरे भीतर की माँ ने बिना विकास की परवाह किए कहा, जब तक उसके माता पिता नहीं मिल जाते क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ। पुलिस वालों को तो ऐसी बला टालनी ही थी, क्यों नहीं, इसके माँ बाप मिल जाएंगे, हम इसे ले जाएंगे। मेरा नाम पता नोट कर पुलिस ने अपनी राह पकड़ी और मैंने अपनी। मैं बच्ची के सर पर हाथ फिराते उसे तरह तरह की बातें करते हुए जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो होश में आकर ठिठक गई। विकास तो दरवाजे पर ही खड़ा था। विकास, ये बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है, बुरी तरह रो रही थी, तो मैं किसी तरह
सिर नीचे किए हुए मैंने कहा। विकास पांव पटकते हुए अंदर चला गया। आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था मुझे, पर अब क्या, तीर तो तरकस से निकल चुका था। पता नहीं क्या सलूक करती पुलिस इस बच्ची के साथ, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले आई। क्यों, ठीक किया न मैंने, कहते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी और मेरा बदन कांप रहा। हाँ हाँ, बड़ा पुण्य का काम किया, न जात का पता, न धर्म का पता, ना जाने किसका पाप है, बस ले आई गोदी में उठाए। घर पर बहुत चर्बी लगी है आजकल, गुनगुनाते हुए विकास कार्यालय चला गया। 4 दिन तक लड़की के माँ बाप का कोई पता नहीं चला। विकास रोज मुझसे लड़ा था, लड़की के बारे में पुलिस ने कुछ बताया, फिर अनाथालय लौटाने की रट लगा दी। मुझे अपनी ममता की शिकायत के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विकास की हर बात पर मैंने मौन का ब्रह्मास्त्र रख दिया था। मेरी चुप्पी उसके गुस्से की ज्वाला को भड़काने का काम कर रही थी। एक दिन मैं शक्ति बनकर विकास से पूछा, विकास क्यों ना हम इस बच्ची को गोद ले लें, कृपया विकास मना मत करो। मेरी बात सुनकर विकास खड़ा हो गया। कितनी जली कटी सुनाई उसने मुझे, और फिर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, देखो कामनी, किसी और के पाप को मैं अपने गले की घंटी हरगिज नहीं बना सकता। मैं 3 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो ये पाप का लोथड़ा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, वरना ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। दहाड़ता हुआ विकास चला गया। मैं अंदर तक कांप रही थी, अजीब कसमकस थी। इस तरह का मेरा पति था और दूसरी तरफ वो फूल सी मासूम बच्ची थी, अब मेरा वजूद का हिस्सा बन गई थी। मैं उस मासूम बच्ची को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मेरी ममता का बेग इतना अधिक था कि मेरी छाती में दूध उतर आया था। न जाने किस भावेश में मैं उसे दूध पिलाती हूँ, वह पीली पड़ने लगी थी। भगवान ने मेरे लिए अनमोल तोहफा भेजा था, मेरी मन्नतें, प्रार्थनाएं, व्रत व्रति सब कुछ हो गए थे, फिर भला कैसे छोड़ दूँ डूबती नैया को इस सभा को। क्या पति नामक जीव इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन में कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता? क्या उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोट दूं? क्या मंगलसूत्र और सिंदूर की बेड़ियों में जुड़ी नारी का पति से अलग कोई व्यक्तित्व नहीं? क्या घबराई पति की गालियां खाने से अच्छा ममता के समंदर में गोते निर्धारण कर रही हैं? ये सवाल लगातार मेरा आत्ममंथन कर रहे। नारायण के चक्रव्यूह में डूबते निकलते 2 दिन बीत गए थे। अजनबी बच्ची और अपने पति में से मुझे किसी एक का चुनाव करना था, वो भी विकास के वापस लौटने से पहले। बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला लिया कि मैंने तो इस पुलिस के सामने भी नहीं लाऊंगी और अनाथालय भी नहीं भेजूंगी। पत्नी बनकर बहुत जी ली, अब माँ बनकर जीने की इच्छा है और दृढ़ निश्चय ने मुझे जोश से भर दिया। मैंने अपना बैग बांधा, जेवर और पैसे भी रखूंगी। मैं तय कर लिया कि अब जब तक जॉब एजेंसियाँ नहीं मिलती इससे काम पूरा हो जाएगा। विकास के नाम मैंने एक छोटा सा खत छोड़ दिया, विकास मैं जा रही हूँ, पत्नी बनकर जी ली हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई खास ज़रूरत है तुम्हें। आज इस बच्ची के मुझे ज़रूरत है, तुम इसे अपना नहीं सकते हो और मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। माँ बनना चाहती हूँ, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लेना, मैं कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगी। मुझे जीने का मकसद मिल गया है और मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ, कामनी। इसके अलावा दिल्ली से दूर महाराष्ट्र में इस छोटे से कस्बे में आ गई। अब सफ़ेद राइट मेरे वैध होने की पहचान थी। बेटी का नाम मैंने निरुपमा रखा था और उनके पिता की जगह मैंने अग्रवाल भर दिया। बस यही थी मेरी पहचान जो अब तक टिकी हुई है। यहाँ आकर मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में एक स्कूल में नौकरी मिल गई। नीरू और मैं साथ साथ स्कूल जाते और जीवन की आवश्यकताओं को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाता था। नीरू धीरे धीरे बड़ी हो रही, पढ़ने में काफ़ी तेज थी, टेबल टेनिस खेलने में उसका कोई जवाब नहीं था। राज्य स्तरीय कई पुरस्कार उन्हें मिले थे। इसी दौरान संदीप से मुलाकात हुई, पहचान और दोस्ती फिर प्यार में छा गया और करीब 3 साल पहले मैंने शादी कर दी नीरू की। पिछले 10 दिन नीरू, संदीप और नाथ छुट्टियाँ मनाने आए थे मेरे पास। मैं आज पूरी तरह से एक माँ के रूप में, नानी के रूप में, मेरे हाथ खुद ब खुद आकाश की ओर उठ गए। हे भगवान, मैं शुक्र गुजार हूँ, तूने मेरी गोद जो सूनी थी उसे भर दी ममता से। मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी नीरू। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, सिर्फ एक माँ। हाँ सिर्फ एक माँ, हाँ हाँ सिर्फ एक माँ हूँ मैं। अपने फ़ोन को मैंने पकड़ा और मेरे हाथ से नीरू का नंबर अपने आप डायल होने लगा। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।